यही है कोडरमा का ब्यूटी, इतना पेड़ पौधा जंगल के साथ घिरा हुआ है ना, ये यही कोडरमा का ब्यूटी है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। Hey guys, welcome back to another vlog. तो आज मेरा झुमरी तरिया में फिफ्थ डे है और आज भी हम लोग जाने वाले हैं एक और न्यू डेस्टिनेशन की ओर। एंड इस जगह के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना है, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो आज चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, जो सुनी है वो सच है कि नहीं, और आप सभी को भी दिखाते हैं एक एक चीजें एक्सप्लोर करके। तो अभी सिर्फ 9 बजे है सुबह के और मैं एकदम नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चीजें। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है बिकॉज यहाँ जो रोड है वो कच्चा है और ये जो आगे है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं सकती, अभी रोड बन रहा है, अभी कच्चा रोड है, इसीलिए यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि हम लोग पैदल ही चलते हैं, यहाँ पे गाड़ी हमने खड़ी कर दी। यहाँ पे कितना झाड़ी लगा हुआ है, पक्का पक्का बेर का, जंगली बेर का है। हाँ, ये हम लोग खाए थे जब हम लोग नदी देखने गए थे, तो बहुत खट्टा था। मामी खा रही है, नहीं पापा बहुत खट्टा था, दिखाओ खोल कर खाओ, अच्छा लगेगा। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, लास्ट टाइम तो बहुत खट्टा लगा था। वैसे कच्चे नहीं है ये बाबा, नीचे वाला पका हुआ है जी, ऐसा लग रहा है नींबू खा लिया मैंने। तो बाबा कितना सारा पका पका वाला बेर तोड़ के लिया, एक बार खा के दिखा दो इसको। मैं क्या बोलता, कुली बेर पता नहीं, स्कूल वाला सब बेचता है। नमक मिला के खाता है, ये ठीक है, ये सूखा सूखा वाला अच्छा है। मतलब दिखाना दिखाना दिखाना, मैं भी टेस्ट करूंगी। ये देखो ये खाओ, अगर तुमको इच्छा नहीं लगा तुम दोबारा नहीं मांगे तो बोलना। मम्मी यहाँ पेड़ में, ये पेड़ में थोड़ा बुखरा हुआ है यार, ये भी खट्टा है, ये भी खट्टा है। आप झूठ बोल रहे हो गाइस। नहीं मैं झूठ नहीं बोली, सही में खट्टा था। पापा कितना दूर चले गए तोड़ने के लिए, पापा पापा क्यों तोड़ रहे हो? अरे बाबा रखो कुछ भाई साहब, सीधा करो रुमाल, रुमाल सीधा करो, पका पका बेर ला। तो हमने यहाँ से बेर तोड़ लिया, यहाँ से वहाँ तक खाली पेड़ का ही बेर का ही झाड़ी लगा हुआ है और अब चलते हैं अब आगे। तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है, एक अंकल ने हमें बताया है कि यहाँ से झरना कुंड थोड़ी दूरी पे है और यहाँ से ना सीधा सीधा तो नहीं रास्ता, लेकिन एक मुड़ के रास्ता है। तो पापा अभी गए हैं गाड़ी लाने के लिए बिकॉज यहाँ से थोड़ा दूर है झरना कुंड, अगर अंकल नहीं बताते ना तो हम लोग तो पैदल ही जाने का सोच रहे थे। आ गया गाड़ी, सही है। ये देखिए जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ का रास्ता कितना ग्रीनरी से भरा हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं और रास्ता थोड़ा सा कच्चा है लेकिन अच्छा है। यही है कोडरमा का ब्यूटी, इतना पेड़ पौधा जंगल के साथ घिरा हुआ है ना, ये यही कोडरमा का ब्यूटी है। शहर में तो आप लोग बहुत घूमने जाते होंगे लेकिन एक बार यहाँ आके देखिए, बाय गॉड आपको मजा आ जाएगा, ऐसा मजा आपको शहर में नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए जहाँ पे हमें जाना था और यहाँ पे देखिए कितने सारे गाय हैं। तो हम लोग यहाँ पे झरना कुंड धाम में आ गए हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना बहुत शांति है, खाली चिड़ियों के चहचहाट की आवाज आ रही है और कोई आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत शांति है। तो ये जो मेरे पीछे आप ये छोटी सी नदी देख रहे हैं, इसी में से लोग जल उठाकर सावन के महीने में, अभी तो खैर इसमें ज्यादा जल नहीं है लेकिन जब सावन का महीना आता है, जब बरसात का महीना आता है,
तब इसमें जल पूरा भर जाता है और इसी में से लोग जल उठाकर ध्वजाधारी मंदिर में चढ़ाने जाते हैं। और ध्वजाधारी मंदिर का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाके मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। यहाँ पे ना आपको 100-150 किलोमीटर आगे तक सिर्फ और सिर्फ जंगल ही मिलेगा और इसी तरीके की शांति, इसी तरीके का ठंडा ठंडा वातावरण और यही सब मिलेगा आपको 100-150 किलोमीटर दूर तक। अब हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हनुमान जी हमारी रक्षा करे, कोई जंगली जानवर ना आ जाए बीच में। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं जंगल में और यहाँ के लोगों ने कुछ बताया है कि आगे जंगल में कुछ और भी चीज़ें हैं, तो इंटरेस्टिंग है वो चीज़ें, मैं आप सभी को दिखाऊंगी। हम लोग अभी तो चल रहे हैं, बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन आगे कुछ मिल नहीं रहा है। शायद और आगे जाएंगे तो कुछ मिल जाए, यहाँ के लोगों ने बताया तो सही बताया होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ना है, मैं चढ़ती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे साइड पे, हम लोग अभी एक जंगल में एक छोटे से पहाड़ के ऊपर हैं और मेरे साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा नदी, और ये इसी से पहले के ज़माने में, अभी तो नहीं गिरता लेकिन पहले के ज़माने में झरना गिरा करता था, और यही जो पानी है ना यही मंदिर के पास जाता है और वहीं से लोग पानी जल लेकर ध्वजाधारी मंदिर में चढ़ाते हैं। और अभी तो ये झरना नहीं चलता है लेकिन पहले के ज़माने में चलता था, और ये झरना था ना इसी के कारण इस मंदिर का नाम झरना कुंड रखा गया है। देखिए यहाँ पे चूल्हा उल्हा बना हुआ है, यहाँ पे ये तेल का भी रखा हुआ है, तो शायद यहाँ पे लोग आके पिकनिक बनाते, अपना खाना वाना बनाते होंगे। मेरा आवाज गूंज रहा है इधर में। हेलो हेलो हाय हेलो, हाय श्यामा। अब हम लोग जा रहे हैं जंगल में और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये तो तालाब, देखिए यहाँ पे कितना घना जंगल है और यहाँ पे कुछ 2-3 कच्चा हाउस दिख रहे हैं हमें। देखिए यहाँ जंगल में भी धान का खेती हो रहा है, वाव। ये जो आगे लोग रहते हैं ना उन्होंने ये लगाया होगा। ये दादी बोल रही है ना कि ये बासमती धान है और ये कितने कम एरिया में कितना अच्छी तरीके से लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पे गांव के बच्चे जो जंगल में इनका घर है यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ कितने एकदम अभी जस्ट हुआ है ये बछड़ा और कितना क्यूट लग रहा है एकदम छोटा सा। तो ये लड़की हमको पूरा गांव घुमाएंगी और दिखाएंगे यहाँ पे कितना कितना घर है, क्या क्या। देखिए यहाँ पे पूरा लकड़ी से घेरा हुआ है इसे और कितना अच्छा यहाँ पे गोभी की खेती हो रही है। देखिए कितना घना जंगल है, ये कितना घना जंगल है और यहाँ पे 2-4-10 मकान है, ऐसे कच्चा हाउस है यहाँ पे कि लोग निवास करते हैं। देखिए टीन का दरवाजा, ये जो टीन का वो होता है ना तेल का डब्बा जो आता है उसमें जोड़ जोड़ के पूरा दरवाजा बना हुआ है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं और अंदर कहीं पे गांव दिख रहा है हमें, घर बहुत सारे, चलते हैं अंदर। तो हम लोग इतना अंदर गांव में घुसे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी एक आदमी नहीं दिखा है, बस बच्चे दिख रहे हैं। देखिए सारा घर यहाँ पे इसी तरीके से बंद है, किसी भी दरवाजे में ताला वाला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ताला नहीं है, यहाँ पे रस्सी की डोरी से बंधा हुआ है। सोचिए मतलब गांव में आज भी इतना शांति, इतना ईमानदारी होता है कि लोग ताला लगाना जरूरी नहीं समझते, ऐसे कपड़े से ही बांध देते हैं और गेट भी बस इसीलिए लगाते हैं ताकि जानवर घर के अंदर घुस ना पाए। तो इतना देर में यहाँ पे सिर्फ चाची मिली है, अब यहाँ पे ये घर नीप रही है गोबर से। यहाँ देखिए यहाँ पे चाची अपने घर को गोबर और मिट्टी से नीप रही है एंड इनकी भाषा तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई लेकिन इनसे बात करने में हमें अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा ऊपर झोपड़ी छपा हुआ है नीचे बैठने के लिए, अभी फिलहाल इसमें कपड़े सूख रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी घर में आपको ताला नहीं मिलेगा, ऐसी गेट रहता है और लोग ऐसे बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी जंगल में चले गए हैं और कुछ लोग बाहर चले गए हैं मार्केट में कुछ काम वाम करने के लिए एंड बस इक्का दुक्का लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। खाली यहाँ पे बच्चे मिल रहे हैं एंड बूढ़े लोग मिल रहे हैं जो कि बाहर जाना उनको संभव नहीं है, इसलिए बस खाली बूढ़े लोग मिल रहे हैं और बच्चे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब बाहर काम पे गए हुए हैं। तो यहाँ हर घर के सामने आगे पीछे कहीं पर भी यहाँ ऐसे लकड़ी से फेंसिंग करके अंदर कुछ ना कुछ उगाया गया है। यहाँ पे ये अलग तरीके का ये गेम खेल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है लेकिन कार्ड रेस चेस जैसा गेम है।
देखो ना गंदा सा गेम है, कैसे खेलते हैं इसको। वाह, तो यहाँ पे लाइट नहीं है इस गांव में, बिजली भी नहीं है, तो ये बिना बिजली और लाइट के पूरा गांव है। कैसे रहते होंगे, मतलब रात में तो खाली अंधेरा ही हो जाता होगा फिर। अच्छा, हर घर के छत पे ना सोलर लगा हुआ है, यहाँ पे सोलर से यूज होता है। रात में यहाँ डर नहीं लगता है? जंगल में कुछ जंगली जानवर वगैरह नहीं आता? अब भी नहीं आ रहा, अब तो गांव हो गया ना, पहले आता था ना, तो अच्छा लग रहा है। ये कितना छोटा सा बछड़ा था, आंटी ने बोला है कि ये आज सुबह ही हुआ है, और कितना छोटा सा, कितना कितना क्यूट सा था, और मैं ऐसे ऐसे इसको कर रही थी ना, वो सो गया, सही में सो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस गाड़ी की ओर, यहाँ पे बहुत मजा आया हम लोगों को, हम लोग बच्चों से मिले, आंटियों से मिले, एंड इस गांव के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चली कि यहाँ पे खेती कैसे होती है और यहाँ पे बिजली नहीं है। तो चलते चलते हम लोग जंगल के गांव से वापस आ गए हैं यहाँ झरना कुंड में, एंड हमें तो बहुत मजा आया, वहाँ पे दो चार लोग थे, बच्चे थे, उनसे मिलने में भी हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, आज पिंटू राजा एकदम राजपाल यादव नहीं लग रहे, पानी 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 से खतरा।